तद विज्ञानार्थम सगुरु में भावि गच्छेत समेत पाने सौतियम ब्रह्मनिष्ठम तद विज्ञानार्थम सगुरु में भावि गच्छेत समेत पाने सौतियम ब्रह्मनिष्ठम। गौड़ीय गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, जितना मुसीबतें हैं ये एक शब्द लेकर अदक्षज वस्तु का सेवा, जितना सारे हंगामा चल रहा है सब एक शब्द लेकर, ये है अदक्षज वस्तु का सेवा। अदक्षज वस्तु का सेवा कोई नहीं करना चाहता, कोई नहीं करना चाहता, कोई नहीं करना चाहता। अदक्षज वस्तु का सेवा कोई नहीं करना चाहता चाहता, लेकिन माया का सेवा बिना बुलाए करने आ जाता, हर वक्त खड़ा है माया का सेवा करने के लिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं। असली बात तो ये है, अप्राकृत अधक्ष जो वस्तु इसका बारे में जानकारी नहीं है आदमी का। किसी वस्तु का जब तक यूटिलिटी क्या है, प्रयोजन क्या है, क्या हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता, जब तक ये ना समझे अनुभव ना करे तब तक अपराकृत अधक्ष जो वस्तु का सेवा का मारे बारे में इन लोगों का उदासीन भाव स्वाभाविक है। अनंत काल से बद्ध जीव माया का सेवा करते आए हैं, नॉन स्टॉप माया का सेवा। जितना भी मुसीबतें हो, जितना भी रुकावटें हो, मेटेरियल आनंद है, जड़ आनंद है, बस उसी में समा जाते, बस आनंद रह ही है। अप्राकृत आनंद के बारे में कोई जानकारी है नहीं। प्रभुपाद जी ने बताए, अनन्य भजन का जो आस्वादन भी प्रभुपाद जी ने बताए, अनन्य भजन का जरा सा भी आस्वादन किसी ने प्राप्त किया हो उसके लिए ज्यादा बड़ा समस्या नहीं है। आस्वादन जब मिला है, आज नहीं तो कल करेगा ही करेगा, आस्वादन दिने दिलाने वाला गुरु वैष्णव है। अगर शरणागति सिद्ध हुआ तो ये दिव्य ज्ञान आने में समय नहीं लगे, क्योंकि चैतन्य चरितमृत में लिखा हुआ है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तरे करे आत्मसम, सही देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देह कृष्ण भजन करे। दीक्षा के समय में अगर संपूर्ण शरणागति आ जाता तब तो कोई चिंता नहीं, लेकिन अक्सर ये नहीं हो पाता। दीक्षा इज ए लॉन्ग प्रोसीड्योर, दीक्षा लंबा पद्धति, ये मंत्र फूंक दे दिया गुरुजी कानों में, मंत्र फूंक दिया, हाँ चला हमारा दीक्षा हो गया, चलो घर चलो। पोपा जी कह रहे हैं कि ये लोगों के साथ मेरा कोई संबंध है नहीं, जो जो दीक्षा लेने का बदलाव हो गया, चलो हो गया दीक्षा विक्षा हो गया, चलो कोई संबंध नहीं है। ऐसा व्यक्तियों के साथ गुरुजी का कोई संबंध नहीं, कैसे रहे कैसे रहे, ये तो दिखावा दिखा। तद विज्ञानार्थम सगुरु में भावी गच्छेत, तद विज्ञानार्थम मन से तत्व ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए, तद विज्ञानार्थम सगुरु में भावी गच्छे, सगुरु ऐसा गुरु के पास जाओ, सगुरु में भावी गच्छेत समित पानी सौतियम ब्रह्मनिष्ठम, समित पानी खाली हाथ मत जाना। नियम है गुरु का पास
गुरु का पास खाली हाथ, ठाकुर जी का पास और अपना रिश्तेदारों के पास खाली हाथ मत जाना, नहीं जाना चाहिए। तो समित पानी श्रौतियम, श्रौतियम ब्रह्मनिष्ठम एक शब्द है। श्रौतियम माने जो श्रौत परंपरा में अवस्थित है, श्रौतियम जो श्रौत परंपरा में अवस्थिति है, जो श्रौत परंपरा को ब्रेक करके चूर चूर करके अपना एक नया रास्ता बनाया, उसका लिए नहीं। इसलिए बताया श्रौतियम, श्रौत पंथा में जो चल रहे, जैसे काल भी बताया था श्रुति स्थिति पुराण आदि पांचों रत्न विधि मिना वही कांत की हरेर भक्ति उत्पातो ही विकल्प थे। श्रुति स्थिति पुराण पंचरात्व किसी का समर्थन नहीं है हमारा उठपटांग भजन में। श्रुति स्थिति पुराण आदि पंचरात्न विधि मिना वही कांत की हरेर भक्ति उत्पातो ही वैदिस, ये उत्पात है कुछ नहीं है, काल बताया था। श्रौतियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रौतियम मतलब जरूर श्रौत पंथा में अवस्थित है गुरुजी, जिनके पास हम पहुंचे जीवन तन मन जीवन गुरुपद अर्पण इसका करने के लिए आए हैं, ये गुरुजी जरूर श्रौतियम है। और ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठम माने निराकार ब्रह्म नहीं, परात्पर अखिलेश्वर भगवान में सविशेष ब्रह्म में विशेष प्रीति रखने वाले, विशेष हर वक्त सेवा में डूबे रहते हैं। ब्रह्मनिष्ठम हर वक्त सेवा में डूबे रहते हैं, चौबीसों में चौबीस घंटा लगन लगा के ठाकुर जी का जोड़ा हुआ है। जिसका ठाकुर जिन जिन अगर भगवान का साथ कोई कनेक्शन नहीं है, भगवान का साथ जुड़ा हुआ नहीं है मेरा गुरुजी, तो ये गुरु ही नहीं है, डिस्कनेक्टेड, पावर बंद, पावर सप्लाई बंद हो जाए, इसलिए उतना इजी नहीं। गुरु परंपरा, मंत्र परंपरा, भागवत परंपरा प्रभुपाद जी ने एडजस्ट करके दिखाए। अक्सर मंत्र परंपरा बीच में रुक सकता, ब्रेक हो जाए। मंद परंपरा में गिनती करने जाओ तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि मंद परंपरा ब्रेक हो जाता है। मंद परंपरा अगर ब्रेक हो गया तो पूरा संप्रदाय का जो फ्लो है, अप्राकृत ज्ञान का प्रवाह है, वो तो रुक सकता। इसलिए प्रभुपाद जी पूरा विज्ञान भित्तिक विचार करके बताया, ये जो मंत्र परंपरा है ये कभी भी रुक सकता है, लेकिन भागवत परंपरा जो है ये साइंटिफिक है। भागवत परंपरा में मैंने महाभागवतों का जो परंपरा है, भागवत परंपरा, ये मंत्र परंपरा आते आते अगर किसी जगह कुछ रुकावट हो तो कनेक्शन ब्रिजिंग कैन बी मेट, मंत्र परंपरा से भागवत परंपरा जोड़ जाए। भागवत परंपरा का माने हैं सेवा का भाव, संपूर्ण सेवा सिद्धांतों का जो भाव है, भजन का भाव जो है, ये पूरा चलता रहेगा। गुरु जी से हमको क्या मिलना है, अप्राकृत अध्यक्ष जो सेवा का अनुभूति, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फॉलो करनो, अनुभव करने का कोशिश करें। जब भी इतना हंगामा चल रहा है चारों ओर, गुरुजी से हमको क्या प्राप्ति करना है, कि रुपया पैसा लेना है क्या, हैं पूरा तमाम मठों का संपत्ति हम ले लेंगे। गुरुजी से क्या प्राप्ति करना है, गुरुजी से अप्राकृत अध्यक्ष जो सेवा का जो अनुभूति है, अनुभूतियां गुरुजी का अंदर, ये सेवा का अनुभूति हमको प्राप्त करना है। दिस इज कॉल्ड द टॉप मोस्ट ट्रेजर, ये सबसे बड़ा संपत्ति, अनमोल संपत्ति है।
करोड़ों करोड़ों रुपया पैसा खर्चा करने से भी ये कभी नहीं मिलने वाला। अप्राकृत अध्यक्ष जो वस्तु का जो सेवा है, अनोखा सेवा जो गुरु जी करते रहते हैं 24 में 24 घंटा लगातार, श्रौतियम ब्रह्मनिष्ठम, ये गुरु जी का पास अगर हम जाए समित वाणी श्रौतियम, अपना आत्मनिवेदन सब कुछ जो कुछ भी है हमारा सब गुरुचरण में तन मन जीवन गुरुपद अर्पण समस्त देने के लिए अगर पहुंचे, ये समिध है। गुरु जी योग्य कर रहा है, कौन सी योग्य कर रहा है गुरु जी नाम योग्य कर रहा है। नाम योग्य माने क्या है? नाम योग्य माने तमाम सेवा है, क्योंकि नामों का अंदर, नाम का अंदर सारे सेवा भरपूर है। नाम सेवा इट्सेल्फ कंप्लीट सेवा, नाम का अंदर सारे है, लेकिन बद्धजीव के लिए संभव नहीं। अगर बद्धजीव बोले महाराज प्रवचन में बताया था नाम सब सब कुछ हम सेवा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, उल्टा सीधा विचार। नाम भजन में, नाम सेवा में समाम सेवा का समाहार है, कोई कमी नहीं है। नाम सेवा इट्सेल्फ कंप्लीट सेवा, स्टिल तथापि बद्ध जीवों के लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी का आदेश है, हाथों पे हाथ के द्वारा इंद्रियों के द्वारा तमाम इंद्रियों के द्वारा सेवा करते चलो। अपनारा हाथे सेवा करबें और मुख्य अनर्गल हरिनाम करबें, भक्ति विनोद ठाकुर लिखा। आप लोग अपना हाथ के द्वारा सेवा करते चलो और मुंह पे कंटिन्यूस अनर्गल हरिनाम रटते चलो, कभी न कभी आपका जिह्वा में अप्राकृत हरिनाम का कृपा होगी, होते रहेगा। अब हाथों के द्वारा सेवा करते चलो हर वक्त, और मुंह पे हर वक्त ठाकुर जी का नाम रटते चलो, करते करते कभी ना कभी आपका जवान पे अप्राकृत हरिनाम का उदय हो सकता, ये संभव है। किंतु हरिनाम प्रभु हरि अभिन्न है, जो हरिनाम वही हरि प्रभु है, एक ही बात। तो सौत्यम ब्रह्मनिष्ठम, हमको ऐसा गुरु का पास जाना है ये 24 में 24 घंटा अप्राकृत अध्यक्ष जो सेवा में डूबे हुए हैं, और हमको भी ये अनमोल संपत्ति मिलना ही है। अगर हम निष्कपट है, गुरु जी का चरण में शरणागत है, गुरु जी से हमको अप्राकृत अध्यक्ष जो वस्तु का सेवा का जो भाव है ये जरूर मिलना है, ये सिद्धांत है। अध्यक्ष जो बोलते आम आदमी समझते नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि दो शब्दों है, एक तो अध्यक्ष जो ये अक्ष जो वस्तु है, दो शब्दों है। सबसे बड़ा हंगामा चल रहा है कि अध्यक्ष जो वस्तु लेके, अध्यक्ष जो वस्तु का सेवा कोई नहीं करना चाहता, अगर करता भी है कुछ इंटरेस्ट जरूर है, ये करो तो हम करेंगे, नहीं तो करेंगे तो ये सेवा ही नहीं हो पाता। कंडीशन के द्वारा भगवत सेवा, भगवान का सेवा होता नहीं। तमाम दुनिया का देवता भेवता का सेवा हो सकता है, लेकिन भगवान के साथ कई कोई अगर कंडीशन को जोड़ के आए तो इसका लिए भगवत सेवा बिल्कुल संभव नहीं होगी। अक्षज वस्तु मतलब देश, दो शब्द है, एक तो अक्षज और दूसरा है अधक्षज। एक अक्षज वस्तु, दूसरा है अधक्षज वस्तु। अक्षज वस्तु मतलब दुनिया का जितना सारे वस्तु है जो हमारा आंखों का सामने है, आंखों का बाहर है, कई भी है, ये नश्वर वस्तु है, नाशवान वस्तु है, ये अक्षज वस्तु क्षय प्राप्त हो जाने वाला। और अधक्षज वस्तु है जिसका कोई क्षय नहीं है, जिसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, अछूता क्षय नहीं है, अव्यय, ये एक ही वस्तु है तमाम दुनिया में। इसका नाम है अद्वैय ज्ञान तत्व। इसका अंदर में अद्वैय ज्ञान तत्व नाम होने से भी अनंत डाइवर्सिटी है,
वैचित्रता एक्सेलेंसी। जब भी लिखा हुआ अद्वैय ज्ञान तत्व, फिर भी ये अद्वैय ज्ञान का तत्व तत्व का अंदर अनंत वैचित्र विद्यमान है। डाइवर्सिटी इन यूनिटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये दोनों चीज को समझनी चाहिए। अदक्ष जो वस्तु का सेवा कोई नहीं करना चाहता, लेकिन अक्ष जो वस्तु का सेवा सब करना चाहता, माया का सेवा सब करना चाहता, इसी का पीछे दौड़ है। इसी अवस्था गुरु वैष्णव का जो विचार है समझ में आना बहुत मुश्किल है। गुरु वैष्णव का जो विचार है, ये विचार में प्रतिष्ठित होना बहुत असंभव है, फिर भी संभव है। असंभव तो है ही है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। असंभव का बाद अगर कोई शब्द लगाया जाए, असंभव है फिर भी संभव है, क्योंकि योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हारा कोरोना सर। अगर योग्यता विचार करने जाए तो कुछ भी नहीं है मेरा अंदर, और अगर कृपा प्राप्ति करने जाए, कृपा प्राप्ति करने के लिए पहुंचे अंदर से, तो करुणा मिल सकता। गुरु वैष्णव तो योग्यता विचारे किछु नहीं, तुम्हारा करुणा साथ, अगर करुणा ही सार है। अदक्ष जो वस्तु का व्याख्या श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने किया है सुंदर करके, अधकृत अक्षज ज्ञानम तथा इंद्रिय ज्ञानम जेनो इति अधक्षज, जिसके द्वारा प्राकृत जगत का प्रयास प्रचेष्टा अक्षज चेष्टा तमाम निबल हो जाता है, कोई स्वाकारात्मक कोई कर्म नहीं कर पाता, बेकार हो जाता। अधकृत अक्षज ज्ञानम, अक्षज ज्ञानम, अक्षज ज्ञान माने प्राकृत जगत का जितना सारे ज्ञान है, बल है, सब कुछ जो तत्व अपना महिमा के द्वारा भास्कर है, और वो ये सब प्रचेष्टा को एकदम नीचे फेंक कर अपना स्व महिमा में भास्कर है, प्रतिष्ठित है, स्व महिमा में जो प्रतिष्ठित है, इसका नाम है अच्युत, इसका नाम है अधक्षज। अधक्षज वस्तु ये तो अद्वैय ज्ञान तत्व अक्षज और अक्षज वस्तु ये दुनियादारी का चीज है। अर्जुन का अभी जो स्थिति है, बहुत सारे प्रश्न रख दिया भगवान श्री कृष्ण, गुरु का काम निभा रहा है, गुरु तो है ही है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और इधर अर्जुन का हृदय का जो संशय संदेह है, जितना सारे संशय संदेह हैं सबको काट के दिव्य ज्ञान तत्व ज्ञान का उन्मेष कराने के लिए भगवान लगे हुए हैं। विचार करते करते बहुत सारे प्रश्न उठाया अर्जुन, और बहुत सारे उत्तर भी दिया भगवान। ऐसा करते करते हम लोग काल 9 नंबर श्लोक का विचार करते हुए थोड़ा कुछ बताया था, यज्ञार्थात कर्म अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। काल ये सब चर्चा हुआ था, योग्य क्या वस्तु है, अगर योग्य में मेरा कोई योगदान है तो ठीक है, नहीं है तो बेकार है, मेरा बंधन के कारण बन जाएगा कुछ भी करो,
और हमारा गौड़ीय समाज का तो एक ही योग्य है, हमारा गौड़ीय भजन का जो मार्ग है, ये गौड़ीय भजन का जो मार्ग है हमारा, ये भजन मार्ग में श्रीमन गौरंग महाप्रभु का दिखाया हुआ जो यज्ञ है, इसी में हम लोग लगन लगाना चाहते हैं। इसका नाम है नाम यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ। श्रीमन महाप्रभु परात्पर अखिलेश्वर श्रीवास आंगन में, नवद्वीप धाम मायापुर धाम में श्रीवास आंगन में अपना नाम संकीर्तन यज्ञ का अग्नि प्रज्वलित किए हैं। ये संकीर्तन यज्ञाग्नि चलते आए हैं, पूजने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद सारे प्रभुपाद जी का कहना है हमारा गौड़ीय मठ का गौड़ीय भजन का एक एक आदमी का जो जीवन जिंदगी है डेडिकेटेड जिंदगी उत्सर्ग किया हुआ जिंदगी जो है जीवन जिंदगी निछावर कर दिया, ये अगर संकीर्तन यज्ञाग्नि में अपने को समर्पित करने का विचार लेके आया हुआ है लेके चल रहा है तो यह गौड़ीय मठ का है। गौड़ीय मठ के एक एक आदमी का जीवन जिंदगी जो है महाप्रभु का जो शिवासंगन में संकीर्तन यज्ञाग्नि प्रज्वलित किए, ये आग अभी भी चल रहा है परंपरा के अनुसार। इसमें अगर हम अपना जीवन जिंदगी को उत्सर्ग हवन में देने के लिए तैयार है तो मैं गौड़ीय डिवोटी हूँ, नहीं तो मैं गौड़ीय मठ का नहीं, गौड़ीय डिवोटी भी नहीं, गौड़ीय भक्त नहीं है, ये विचार बताया। जोगों का बारे में जब बात ही उठा, मैंने काल भूल गया इस बात को कहने के लिए, हमारा गौड़ीय मठ का गौड़ीय खानदान का एक ही विचार है, जैसे मन महाप्रभु शिवास आंगन में जब संकीर्तन यज्ञाग्नि का प्रज्वलन किए संकीर्तन रास, तभी से अभी संत महात्मा लोग बुझे नहीं, जलते रहे। और हम एक एक गौड़ीय मठ का जो आदर्शवान ब्रह्मचारी सन्यासी सब इसी संकीर्तन यज्ञाग्नि में अगर अपना जीवन जिंदगी को ना दे समर्पित ना कर समर्पण ना करे तो इसका गौड़ीयत्व कभी भी सुरक्षित नहीं है। कैसे समझे कि वो गौड़ीय है, उसका गौड़ीयत्व कैसे समझ में आए, तो ये संकीर्तन 24 घंटा संकीर्तन करने के लिए खड़ा है शिवासंगन भेजो से। तो जोगों का बारे में बहुत सारे बात हम बताया, ये जो बृहद विश्व है, ये जो समस्त अनंत ब्रह्मांडों में जो जब सब चल रहा है, कि कर्म क्रियाकंड चल रहा है, ये सारी भगवान विष्णु का चरण में उत्सर्ग किया जाए। सब जहां जो कुछ हो रहा है ये बृहद यज्ञ, इसको बोला जाता है बृहद यज्ञ, इसको बोला जाता है बृहद यज्ञ। अपना अपना जीवन जिंदगी में क्षुद्र जिंदगी में जो सब जिसका पास जो भी क्षमता है वो क्षमता को ये ठाकुर जी का जो यज्ञाग्नि चल रहा है अग्नि चल रहा है विश्व यज्ञ चल रहा है, इसी में हमारा क्या योगदान है। अगर हमारा कोई योगदान है ही नहीं, उल्टा में यज्ञों को नाश करने के लिए तैयार है तो मेरा गोती क्या कह नहीं सकता क्या। तो काल बताया था जे अनासक्त होके जो अपना अधिकार का अनुसार जो क्रियाकर्म करना चाहिए, कर्तव्य बोध लेकर
वो सारे कर्म जो है अगर भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए ये योग्य ठीक है, चाहे वो कर्म योग्य हो, ज्ञान योग्य हो, ध्यान योग्य हो, भक्ति योग्य हो, कुछ भी, तो यज्ञार्थात कर्म अन्यत्रो लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कंतियो मुक्त संगः समाचार। तो ये विचार करके अर्जुन तुम अपना हरि तोषणार्थ हरि भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए जो करना चाहिए वो करो, अगर नहीं करोगे तो बंधन का होतु। अगर नहीं करोगे तुम्हारा कर्म तो तब बंधन का कारण बन जाएगा। कर्म फलाकांक्षी होके कर्म करोगे तो उसका रिजल्ट तुमको मिलेगा जरूर, अपना अपना किए हुए कर्म का फल तो मिलते ही रहता है। लेकिन फलाकांक्षा छोड़कर कर्म करने का जो कौशल बताया ठाकुर जी, ये ध्यान में रखना चाहिए। इधर बाद में 10 नंबर श्लोक तक चर्चा किया था, सहो यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाचो प्रजापतिः अनेन प्रसविषद्धमेष वो अस्तु इष्टकामधुक्। मतलब ये है सहो यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा, आदि काल में सृष्टि का प्रारंभ में, आदि काल में सृष्टि का प्रारंभ में प्रजापति ही ब्रह्मा सहो यज्ञाः यज्ञाधिकारी ब्राह्मण आदि सहो जितना सारे प्रजा है सृष्टि कर दिए और उवाचो बोले थे ठक ब्रह्मा आदेश किए थे अनेनो ये यज्ञ के द्वारा प्रसविशुद्धम प्रसविशुद्धम उत्तरोत्तर ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो, ऐसा में यज्ञ प्रसविशुद्धम ऐसा यज्ञ ये तुम लोगों का फायदादायक हो सकता, तुम्हारा अभीष्ट का पूर्ति करने वाले योग्य हैं, इष्ट काम दुख अभीष्ट फल प्रदाता। तो मतलब ये माने होता है जब भक्तिमठ ठाकुर कह रहे हैं आदि सर्गे प्रजापति जब सृष्टि किए यज्ञ का साथ प्रजा का सृष्टि किए थे, मतलब तुमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सो उपदेश आदि दे दिए, और तुम्हारा पास ये आदेश प्रजा सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा जी ये आदेश दिए हैं तुम लोग ये यज्ञों के द्वारा यज्ञों का आश्रय कर लो और म्यूचुअल बेनिफिट बंटवारा कर लो और उत्तरोत्तर वृद्धि होते चलो सृष्टि, ये जो गो तुम्हारा समस्त इष्ट काम अर्थात हृदय शुद्धि रूप आत्मज्ञान देह यात्रा द्वारा मुख्य पत्व माने, मतलब ऐसे अगर करते चले इसके द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता, तुम्हारा ये शरीर यात्रा जो है ये मोक्ष प्रद हो जाएगा। सहो यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविशद्धमेष वो अस्तु इष्टकामधुक्। तुम्हारा जो इतना सारे चाहत है कामना है कामना को पूर्ति करने वाले हैं, ऐसा करके तुम आत्मज्ञान को भी प्राप्त करोगे, देह यात्रा करते हुए मोक्ष को भी प्राप्त कर गए, ऐसे चले।
श्रील बलदेव विद्याभूषण जी ने इसका माने कुछ और किया। श्रील बलदेव विद्याभूषण जी ने कह रहे हैं ये जो प्रजापति, ये जो कंसेप्शन है प्रजापति का, ये कह रहे हैं जे देखो ये प्रजापति शब्दों के द्वारा श्रुति और स्मृति प्रमाण के द्वारा सर्वेश्वर विश्व सृष्टा विश्वात्मा अखिल विश्वों का परमाश्रय नारायणी यहां प्रजापति रूप से बोला गया। और दूसरा जगह जितना सारे व्याख्या होया होते रहते हैं ये प्रजापति बोल के डायरेक्टली प्रजापति ब्रह्मा का ही नाम है, प्रजा सृष्टि किए इसीलिए ब्रह्मा को ही माना जाता। जो भी है ब्रह्मा भी भगवान का कृपा के द्वारा ही प्रतिनिधि बन के बैठे हैं। ब्रह्मा भी क्योंकि सृष्टिकर्ता तो नारायण है, विश्व सृष्टा विश्वात्मा अखिल विश्व का परमाश्रय नारायण प्रजापति रूप में दिखाया गया, ऐसा बोल रहा है बलदेव विद्याभूषण जी। ये परम कारुणिक भगवान प्रजापति सृष्टि करने के समय अनादिकाल प्रवृत्त देव मानवादि प्रजा समूह स्वीय प्रकृति शक्ति में विलीन होके इतना दिन तक रहा। ये लोग का बाहरी दृष्टि में नाम रूप विभाग कुछ दिखाई नहीं पड़ता क्यों आप सारे विलीन होके प्रकृति शक्ति में विलीन होके पड़ा हुआ है। इसके बाद भगवान के इच्छा का अनुसार सारे ये सब विभाग हो पाया, नाम रूप आदि प्रदान सृष्टि किया, आराधना करने के लिए यज्ञ वही विष्णु ये भी निराधार नहीं है, विचार ठीक है क्योंकि जितना सारे ये जो सृष्टि है ये नारायण से हुआ है भगवान अयोग्य वही विष्णु, तो ये माने ये भी है निराधार नहीं है ठीक है। और दूसरा विचार है ब्रह्मा सृष्टि करने के बाद क्या करना चाहिए क्या कर नहीं करना चाहिए, इसे इंडिकेशन आदेश सब दे दिए हैं। मनु महाराज भी ये सब एकत्रित करके मनु संहिता का नाम में प्रकाश कर दिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सारे तमाम दुनिया का हिसाब। तो ये प्रजापति पुरुषार्थ साधक आराधना रूप यज्ञ अतन निरूपक वेद प्रकाश किए भगवान, भगवान का निश्वास से प्रकट भए। और उसका बाद ये प्रजापति जितना सारी सृष्टि का सृष्ट जीव सब जो है इनके अपना अपना अभिष्ट पूर्ति करने के लिए आदेश किए जोगो तुम करते चलो और अपना आपस में हिलमिल एडजस्टमेंट करते करते चलो वृद्धि प्राप्त होते रहो। और ये तुम्हारा अपना जिंदगी का जो इच्छा है इष्ट कामधुक जो मनोभिष्ट पूर्ति करने वाले हैं, तो माने ये आता है सहो यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही अनेनो प्रसविद्ध प्रसो विश्वधमेश वो अस्तु इष्ट कामधुक। ये तुम्हारा धीरे धीरे यज्ञों का साथी ये प्रजा का साथी यज्ञों का सृष्टि हुआ, आदेश भी किए थे ये तुम लोग ऐसे ऐसे करना है, करते करते आगे वृद्धि होते चलो, म्यूचुअल इंटरेस्ट को संभालते चलो और आगे जाके ऐसे अगर चलोगे कभी ना कभी तुम्हारा हृदय शुद्धि भी हो पाएगा और आत्मज्ञान प्राप्ति होना भी बड़ा बात नहीं। ये देहो यात्रा संपादन होने का बाद तुम्हारा ये शरीर यात्रा के द्वारा
वांछित फल मोक्षो फल आ सकता है तुम्हारा जिंदगी में, ऐसा करके बताया। इसके बाद बताया कि देखो उल्टा चरोगे वेद बहिर्भूत, वेद का बाहर अगर अपना अपना इच्छा का अनुसार वेद का बाहर अगर कुछ भी करो उल्टा सीधा, ये जोड़ियो कर्म जड़ कर्म है, इसके द्वारा तुम्हारा बंधन ही होगी, बंधन बंधन ही बंधन हो सकता और कुछ नहीं। तो कैसे कर्म करना चाहिए, कौन सी कर्म, ये सारे इधर बताया गया कैसे करना चाहिए। इसके बाद 11 नंबर श्लोक में बताया देवानो भावयत भावयता नेनो ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। देवानो भावयता नेनो ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। ये योगों के द्वारा जैसा योग हमने बताए किस ढंग से कैसा विचार से करना चाहिए, ये योगों के द्वारा जितना सारे इंद्रियोगन हैं ये सेराई मेराई मद अंगभूत। भक्तिम ठाकुर जी ने बताया, भगवान कह रहे हैं किस विचार के द्वारा कैसे तुमके योग को करना चाहिए ताकि मद अंगभूत मेरा ही अंग में सब अवस्थान है, इंद्र आदि वरुण आदि देवता लोगों का प्रीति विधान हो सकता है, ये लोगों को तुम योग्य के द्वारा जो उसका कंट्रीब्यूशन उसको देना चाहिए दे दो। ये योग्य के द्वारा मदंग भूतो मेरा ही शरीर में इसका अवस्थान कहाँ है, ये इंद्रियादि देवता ये सभी का प्रीति विधान करने का व्यवस्था हो सकता। और ये सब देवता लोग जो हैं प्रसन्न हो के आपका भी अभिष्ट फल को देने के लिए तैयार हो जाएगा, देवता लोग भी अपना देवता लोगों को प्रीति विधान करके तुम लोगों के इष्ट फल जो है इष्ट फल मिल सकता है, प्रीति प्रदान करेगा, तुम्हारा जो अभिष्ट वस्तु ये भी प्रदान करे म्यूचुअल इंटरेस्ट। भगवान ये नहीं कहना कि देवता लोगों तुम पूजा करो, ऐसा नहीं, भगवान बोला अल्टीमेट लक्ष्य जो है मेरा चरण में होनी चाहिए, और देवता लोग तो है ही है, ये जो भू लोग भूव लोग भूर भूव सह मो जनो तो तपस्वत्व ये सब तो चलते रहते, आ तमाम जगत का अधिष्ठान विष्णु में ही है, भगवान में है, ये नहीं कि देवता लोगों को रिझाने में लग जाओ संत, ये नहीं, भगवान बोला देखो ये यज्ञ है, ये योगों के द्वारा देवता लोगों को हम दायित्व दे के रखा है, ये भी तुम्हारा इच्छा का पूर्ति करे, बारिश न बारिश दे फल सब प्रकृति का जो नियम है ये चलते रहेगा, और देवता लोग भी तुम लोगों को सहायता करे, तुम लोग भी उसको हवन करो, कुछ भी उसका शेयर है तो दे दो, ऐसा करते चलो। ये योग के द्वारा मदंग भूतो इंद्र वरुण आदि देवता लोग सकल को इसका जो शेयर है ये देव, बिकॉज वो लोग तुमको देता है म्यूचुअल इंटरेस्ट, और देवता लोग प्रीत होके संतुष्ट होके जरूर तुम लोगों को इष्ट फल दान द्वारा प्रीति विधान करने का कोशिश करेगा जरूर। ऐसे आपस में हेलमेल म्यूचुअल एडजस्टमेंट के द्वारा भावित तो होके ये हमारा उपकार करे, हम भी इसका उपकार करें, ऐसे परस्पर म्यूचुअल
इंटरेस्ट संभालते चलो और परम श्रेय रूप आत्मो यथार्थ लाभ करो। ऐसा करते करते श्रेय परम श्रेय रूप जो आत्म तत्व विज्ञान धीरे धीरे समझ में आ जाए। ऐसा करके ठाकुर जी बताया और इस श्लोक पाठ करने का बाद अक्सर साधारण आदमी का अंदर में ये गलत फहमी हो सकता कि भगवान मनुष्य लोगों को जितना सारे आदमी ये है सृष्टि का जितने सारे मनुष्य है ये लोगों को देवतागणों को पूजा करने के लिए बोला स्वतंत्र पूजा। ऐसा नहीं, एक नाम अपराध का अंदर एक चीज है। ब्रह्मा शिव आदि इन सभी को स्वतंत्र देवता मान के चलो ये भी एक नाम अपराध है। लेकिन ये सब भगवान का दास दासी है ऐसा विचार करके चलो, ये देवता लोगों का स्वतंत्र कोई अधिष्ठान है नहीं, ये ठाकुर जी की कृपा के द्वारा ही अपना जीवन जिंदगी गुजार रहे हैं ऐसा अगर सोच लो तो ठीक है। बलदेव जी महाराज कह रहे हैं कि अगर कोई सोचे ये श्लोकों के द्वारा तो भगवान खुला में खुला ऑर्डर दे दिया मनुष्य लोगों को देवता लोगों को पूजा करो स्वतंत्र, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं। आपको शायद याद होगी गौरंग महाप्रभु का बाल्य लीला जो है, बाल्यों का बात थीरा थोड़ा धीरे धीरे ये बालक वृद्धि हो रहा है, गंगा का किराने किनारे जितना सारी कुमारी देवी पूजा करने लग गई सब। और वहाँ ठाकुर जी पहुँचे और बताए किसका पूजा कर रही हो, हमको दे दो हम ही हैं सब। और वो लोग तो गुस्सा हो गया, क्या बात है तुम हमारा गांव संबंध में रिलेशन में भाई हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले ना गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर, गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर, प्रभु कहे आमा पूजो आमी दिबो ब, गंगा दुर्गा सब मेरा दास दासी और हमको पूजन करो हम वर देने के लिए तैयार। वो लोग सोचा उल्टा सोचा उससे जो क्या हो गया ऐसा उल्टा कर रहे, लेकिन सच बचा है ठाकुर जी। तो ऐसा देव देवता लोगों को स्वतंत्र बुद्धि के द्वारा पूजन करने के लिए ठाकुर जी कदापि उपदेश नहीं दिए, क्योंकि आगे चल के हम लोग देखेंगे विचार है। ठाकुर जी कर गए जो देवता लोगों का पूजन करता है वो हमारा ही पूजन है, जो देवता लोगों का पूजन करता है वो हमारा ही पूजन है, लेकिन अविधि पूर्वक, ये विधि नहीं है, ये विधि नहीं है, इट इज नॉट द रूल, अविधि पूर्वक पूजा कर रहे, ये बताया है ठाकुर जी। ऐसा है जब विश्वरूप ठाकुर जी ने दिखाया उसमें साबित करके दिखा दिया जितना सारे जगत का जो अधिष्ठान है सब मुझ में ही है, हमारा अंदर है, इंद्र वरुण अग्नि तमाम देवता का सारे अधिष्ठान और भगवान नारायण का अंग प्रत्यंग रूप से जो देवता लोगों का अगर आराधना किया जाए इसमें दोष नहीं, क्योंकि सामग्री रूप से द टोटल कंसेप्शन जो है वो है ठाकुर जी का चरण में कंसेप्ट है। जैसे कुमारी गोपियों ने कात्यायनी देवी का पूजन की, कात्यायनी महामाया महाजोगी नदीश्वरी नंदगुप सुतम देवी पतिम में कृते नमः ऐसा बोल के पूजा तो किया कात्यायनी देवी का, लेकिन जब भगवान वर देने के लिए आए तो स्वयं ये बात प्रकाश की ये तुम्हारा जब भवती नाम मदर्चनम
आप लोग जो मेरा अर्चन किया है इसमें मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए वर देने के लिए आया। और तुम लोग तुम्हारे जीवन जिंदगी में नित्यो नित्यानम चेतनो चेतनम एको बहूनम जो विदधाति कामान जो है, यही बात साबित करके दिखा दिया। तुम्हारा अंदर में हमको ही संतुष्ट करने के लिए जो विचार ये व्रत कर रहे हैं, व्रत पालन करने का जो विचार है इसमें डायरेक्ट हमारा ही पूजा भवती न मदर्चन, जबकि पूजा किया कत्ता नहीं देवी का। भगवान कह रहे हैं कि मेरा पूजन ठीक हुआ, अरे मतलब क्या है, तुम्हारा तो पूजन किया नहीं, किया तो कत्ता नहीं देवी का, अरे हुआ तो क्या हुआ, कत्ता नहीं देवी क्या है, कत्ता नहीं देवी जोगमाया है, जोगमाया क्या है, भगवान का अंतरंग शक्ति है, भगवान का अंतरंग शक्ति भगवान का साथ रहता है। वेदांत सूत्र में जिसका बारे में हम बहुत बार बताएं, जो शक्ति शक्ति मत और अभेद, शक्ति और शक्तिमान ये दोनों में कोई भेद नहीं है, एक होते हुए एक तत्व होते हुए भी दो तत्व है और दो तत्व होते हुए भी एक तत्व है, इसमें अद्वैत तत्व का खिलाफ नहीं है कुछ बात। तो इसीलिए बताया कि किया तो है कत्ता नहीं देवी का, कत्ता नहीं तो भगवान का अंतरंग शक्ति है, भगवान का अंदर ही रहता है। और जो मांगा है वो भी ठाकुर जी का साथ ही रिलेटेड है, ये बाहर का कुछ बात, ये लोग का तन मन धन जो है इज्जत जो कुछ भी है सब ठाकुर जी का चरण में समर्पित हो चुका। इसीलिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुम्हारा भवती न मदर्चन, ये मेरा अर्चन सक्सेसफुल हुआ, मैं संतुष्ट हूं। और चलो आगे आपका जो इच्छा है मन की सब पूर्ति हो जाएगी। तो ये जो है इसके द्वारा जो भगवान श्लोक बोला, ये तो तुम एक काम करो, ये सब देवानो भावयता नेनो ते देवा भावयंतु भव, तुम भी देवता लोगों का ऐसा करते चलो, इसका जो इंटरेस्ट है इसका हवन करो, घृतावती जो कुछ भी करना है ये सब देवान भावयता प्रसन्न करो, करते चलो। और ये भी तुमको सहायता करे, परस्परम भावयत भावयंतः, ऐसे म्यूचुअल बेनिफिट निकालते रहो, म्यूचुअल बेनिफिट आते रहेगा तुम्हारे जिंदगी के। और इसके बाद श्रेय हो परम अभाषत, मतलब श्रेय रूप आत्मो यथात्मो लाभ अथा आत्म तत्व ज्ञान लाभ होने का संभावना है। तुम्हें ठगनो बताए क्योंकि शास्त्रों में है, कैसे हम बोल दिया कि देवता लोग भगवान का अंग प्रत्यंग में है, कैसे हम बोल दिया, जब व्याकरण में भी ऐसा जीव गोस्वामी पाद जी लिखा नारायणत नारायणत उद्भुत वर्ण क्रम, नारायण से इतना सारे ओ आ क ख ग ग जितना सारे नारायणत उद्भुत वर्ण क्रम। तो ये जो नारायण है ये नारायण का अंग प्रत्यंग में भी आराधना हो गया। अगर देवता लोगों को ऐसा विचार करके चलो तो भगवान का एक अंग में इसका अधिष्ठान है, जैसे गो माता का शरीर में तमाम देवता का अधिष्ठान है एवं साक्षात गोपाल का भी है स्तन में, गो माता का जो स्तन है इसमें साक्षात गोपाल का अधिष्ठान है। गो माता का जो कंठ से अम्मा करके बुलाती हैं इसमें सरस्वती का उदिष्टान लिखा हुआ है शास्त्र में, गोमाता का बोई में देखना। तो तमाम अंग प्रत्यंग में सारे गोमाता का अंग प्रत्यंग में सारे देवता लोक है, और नारायण अंग प्रत्यंग रूप से क्योंकि अनंत ब्रह्मांड नारायण का ही शरीर है क्या है, फिर भी नारायण इसमें नहीं है, ये विचार करके बोलते हैं ठाकुर जी। आमी तो जगते बसी जगत आमाते ना, आमी जगत जगते बसी ना जगत आमाते, एक ही साथ ये दोनों कैसे
टैली कर सकता है, रिकॉन्साइल कैसे किया जाए। तमाम जगत मेरे में बैठा हुआ है, अनंत अनंत ब्रह्मांड मेरे में, मुझ में, और मैं तमाम दुनिया में घुस के बैठा हूं, फिर भी मैं किसी में नहीं हूं और कोई भी मेरे मुझ में नहीं, ये कैसे संभव है? ये दोनों एक साथ कैसे चले? इसीलिए बोला था ना, दो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट जो है दो, ये एकमात्र कृष्ण में वेल बैलेंस्ड हो सकता, ये संभव है। आमी तो जगत बसी जगत आमाते, तमाम जगत मुझ में अवशिष्ट है, मैं भी सा तमाम जगत में प्रविष्ट होके विराजमान हूं। प्रविष्टान न प्रविष्टानि नौतेषु नौतेषु अहम्, प्रविष्ट होकर भी नहीं प्रविष्ट हूं, तमाम चीज हमारा अंदर में होकर भी मैं किसी में नहीं हूं। पश्चो में योगो में ईश्वरम, ये मेरा योग ईश्वर जो देखो, मेरा पावर देखो, अनंत बल। लेकिन शास्त्र में एक वचन है, देवहा नारायणं गजहा, जैसे जीव गोस्वामी शास्त्र में लिखा ना व्याकरण में, हरिव हरिनाम में तो व्याकरण में पहले ही लिख दिया, नारायणत उद्भुत वर्ण एशो वर्ण क्रम ऐसा वर्ण क्रम, तमाम वर्ण क्रम वा सब ठाकुर जी से आया। तो दे शास्त्र में जो है बलदेव उद्धव सिंह जी ने बताया, देवहा नारायणं गजहा, ये भगवान का ही अंग प्रत्यंग है। जैसे पृथ्वी महाराज जी का यज्ञ में जब इंद्रो महाराज द्वारा उठपटांग शुरू किए तो पृथ्वी महाराज आदेश किए, मारो बेटा को पकड़ के ले आओ, सज्जोगों का घोड़े फोड़े जो है वह उसको लेके भाग रहा है, बार बार उठपटांग कर रहा है जोगों का खिलाफ, जोगो नहीं हो पा रहा है। पृथ्वी महाराज ने गुस्से में उसको पकड़ो, इसके बाद तो बहुत सारी चीज, ये जो लड़का जो है लड़का भागे पीछे पीछे इंद्र को पकड़ने के लिए, लेकिन इंद्र भी भागे, एक एक करके अपना बेस को पखंडी रूप आदि बेस को बदल दिए, और वो सब ये जड़ जगत में ये सब हमारा जगत में रह गया, एक एक रूप पाखंडी का रूप, ये रूप ये रूप पकड़ के भाग रहा है इंद्र। बीजितास्सो, इसका नाम बीजितास्सो, ऐसा करके भागा। अंतिम में जो भाग नहीं रहा है इंद्र, तक्षक का आश्रय में चला गया। तो अंतिम में यह आदेश किया पिथु महाराज जी, सहो अग्नि एनो, ये सहो एनो, ये जो तुम्हारा इसको आग में हवन कर दो, इसमें इसको इसको भी डालो आग में। ये दो कहानी है, एक कश्यप का आश्रय लिया था, वो कश्यप जब बचाने के लिए आ रहा तो तक्षक बोला आप पुर्णामी ले लो और भागो, ये परीक्षित महाराज का प्रसंग है। और यहाँ जो है ये और एक प्रसंग है, तो अंतिम में इंद्रो का आश्रय लिया तक्षक, तक्षक के साथ फेंको, तो बाद में आके बोला क्यों मर रहे हो बेटा, क्या काम है, जितना सारे सर्प है तो वो तो बेचारा है, कुछ नहीं किया, और इंद्र भी तुम्हारा बद्ध नहीं है, तुम बद्ध नहीं कर सकते हो, ये भगवान का अंग है सब, ये भी इधर भी ऐसा ही हुआ, जो भी है चलो। ऐसा करके भगवान का संतोष विधान करने के लिए परस्पर प्रीति उत्पादक क्रियाकर्म करते चलो, इसमें सृष्टि का भी बढ़ते चलेगा, किसी का अंदर में कोई चाहत नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें कोई दोष है नहीं, अपना कोई मतलब है तो दोष है, भगवान बता दिया। तो ये प्रीति के द्वारा आपका जो म्यूचुअल इंटरेस्ट मैंने एक दूसरे का सहयोग बन जाओ, जैसे देवता लोग आपका बारिश फैलाएगा, बारिश के द्वारा
खेत खेत में फसल उगेगा, ऐसा करके आप यज्ञ करो, यज्ञ में हवन करो करके घृताहुति दो इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, ऐसा करके वो लोग भी आहार, ये लोग के आहार मिलेगा और ये लोग तुम्हारा सहायता करते। ऐसे करते जब सृष्टि का प्रारंभ है ऐसा आदेश किए तो ये परस्पर आपस में हिलमिल कर रहा है इतना दिनों से। देवानो भावयतानेनो ते देवाहा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यतः। ऐसे तुम अपना अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करोगे, ऐसे करते चलो। इसके बाद ठाकुर जी ने बताया अर्जुन को, अर्जुन इष्टानुभोगान ही वो देवा दस्यन्ते योग्य भाविता अत्वैर दत्यानो अप्रदायिभ यो भुंक्ते स्तेन एव स। इष्टानो भोगानो ही वो देवा दस्यन्ते योग्य भाविता त्वैर दत्तानो अप्रदायेभ्यो जो भुंक्ते स्तेनो एव स। इष्टानो होगा न माने तुम्हारा अभीष्ट वस्तु जो प्राप्त हुआ, ये प्राप्त तुम भोग रहा है, इष्टानो होगा न ही वो देवा है, और तुम्हारा अंदर पास में जो आ गया वो सब तुम खुद हड़प कर लोगे, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, तुमको देना जरूरी है, इनको भी दो। तुम अपने आप इष्टो भोगानो अभिलाषो अभिलाषितो भोग समूह, ये यज्ञ भाविता देवता लोग यज्ञ में संतुष्ट होकर तुम्हारा जो अभिष्ट वस्तु है इष्टानो भोगानो अभिलाषितो भोग समूह दशन्ते, ये लोग दान करेंगे ही निश्चित रूप ही। इसीलिए त्वयि दत्तानो तुम लोगों के द्वारा जो वस्तु अर्पण किया जाएगा वो लोगों को त्वयि दत्तानो, इसके द्वारा एभ्यो देवता गणों का अपना चलेगा, कोई बात नहीं, अपना सब कुछ चलते रहेगा। और अगर ना दोगे अप्रदायो ना दियो, देने का कोई इच्छा ही अगर नहीं है, अगर नहीं दोगे तो बिना देखे जो अपने आप खाते हैं भोग करते हैं बिना प्रदान किए, अगर आप खुद ही भोग करने लग जाओगे तो इसको चोर बताएगा, इसको बताएगा चोर। इष्टानो भोगानो ही वो देवा दस्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ में संतुष्ट होकर अपना शेयर अपना जो भाग है देते रहेगा, तुम्हारा जो अभीष्ट वस्तु भोग का वस्तु ये देते रहेगा। और एलो का सहायता के द्वारा तुम्हारा जो चीज मिलते रहते हैं, अगर देवता लोगों को कोई शेयर मत दो, कोई अगर शेयर देने के लिए आप तैयार नहीं है तो अगर खुद भोग करोगे भूंगते स्तेनो एव स, ये चोरी है। चोर जैसे चुपके से सब ले जाता है, हड़प कर लेता है। इष्टानो भोगानो ही वो देवा दस्यन्ते यज्ञ भाविता त्वैर दत्यानो अप्रदायेभ्यो जो भूंगते, जो बिना दिए देवता लोग का अपना जो शेयर है, अपना जो अंश है हिस्सा है, वो अगर बिना दिए आप खा लोगे कर लोगे भोग तो इसमें आप चोर बन जाओगे। इष्टानो भोगानो ही वो देवा दस्यन्ते यज्ञ भाविता त्वैर दत्यानो अप्रदायेभ्यो जो भुंक्ते, बिना दिए जो भोगने का कोशिश करता है स्तेनो एव स, वो चोरी चोर है,
ये चोर छोर के और कुछ नहीं है, ये चोरी है। ऐसा करके बताया, देखो जैसे भक्तिमय ठाकुर जी ने बताया पंच महायज्ञादि के द्वारा, ये पंच महायज्ञादि, पंच महायज्ञ क्या है हम व्याख्या करेंगे। अभी कहना है कि पंच महायज्ञादि के द्वारा देवतागणों को, देवतागण जो वस्तु दिया है, तुम्हारा साथ सहयोग किया है, उसका जो अपना हिस्सा है, वो अगर बिना दिए तुम अगर खुद भोग करना शुरू कर दोगे, तुम्हारा तुमको चोर बोल के पकड़ा जाएगा। क्योंकि वो लोग वृष्टि दे रहा है, वृष्टि के द्वारा फसल उगाना संभव है, फसल होता है खेती में, और वो फसल अनाज सब खा के तमाम दुनिया जीता है, और उसका अंदर में बीज पैदा होता है खाने का द्वारा, अन्न के द्वारा। अन्न बोलते हैं अन्न, एक अन्न ये जो शब्द है एक बड़ा ओपन टर्म है, ये अन्न एक ओपन टर्म है, अक्सर शास्त्र में भागवत में भी है, उपनिषद में अन्न बोल के शब्द है, भागवत में भी है, गीता में भी है। ये अन्न जो शब्द बोला गया है ये खुला शब्द है, ओपन टर्म। अन्न के द्वारा ये माने होनी चाहिए जो प्राणी जो वस्तु खा के जीता है, संतान उत्पादन करने में लग जाता है, ये इसका लिए अन्न बन जाता है। जैसे बाघ के लिए, टाइगर के लिए, शेर के लिए ये मांस है अन्न, और गौ माता के लिए घास है अन्न, समझा मेरा बात। ऐसा करके जो जो चीज को खा के अपना जीवन को धारण करता है और संतान आदि उत्पादन करने में लग जाता है, इसको ओपन टर्म में अन्न बोला जाता है। तो ये जो है इसमें बताया भक्तिमय ठाकुर जी ने, पंचो महायज्ञादि के द्वारा देवताओं के द्वारा जो कुछ प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो फल दान करता है, और ये लोगों का जो दिया हुआ चीज है, योगदान है, इसमें तुम अगर कोई रिटर्न नहीं दोगी, नहीं दोगे तो मुश्किल है, अपने आप खा जाओगे, भोग करोगे। एक उदाहरण देखो, रमणक द्वीप में गरुड़ भगवान के लिए शेयर आता है, बलि, बलि मतलब उपहार, सारे सर्प लोग, एक सर्पो और बाकी सारे सामान खाने का रख के जाता है, गरुड़ भगवान आएगा खा के चला जाए। एक दफे कलियाना गाके के समान उपयोग कर दिया, खा दिया, खा के बैठा हुआ है। इसका बात तो लड़ाई हुआ, बहुत कुछ हुआ, और कलियानाग आके भागते हुए आके ये वृंदावन का अंदर जो कालिया ह्रद है यहाँ रह गया, और क्यों इधर एक सांप है, गोरू आ नहीं सकता, इसीलिए इधर आके प्राण बचाया। सौवरी ऋषि भी इधर भजन किए थे, जानते ही है अब। ऐसा करके चलो, इसके बाद जो लिखा हुआ ठाकुर जी कह रहे हैं कि योग्य शिष्टासीन संतो मच्चन्ते सर्वकिल विषयी भंजते ते तु अघम पापा जे पचन्ति आत्मकारणात्। यहां बड़ा बड़ा भारी सुंदर विचार है। ये योग्यों का अवशेष, योग्यों का शेष, जो व्यक्ति भोजन करते हैं, योग्याशिष्टासीन, अश्नन धातु मैंने खाना,
यज्ञों का अवशेष जो खाके जीवन धारण करते हैं, यज्ञाशिष्टा सिन्हा संतो मुच्यंते सर्व किल विषय, वो तमाम पापों से रिहा हो जाता, तमाम पापों से रिहा हो जाता, बच जाता। कोई अगर कहे तो हमने क्या पाप किया, अरे पाप सब लोग कर रहे, ऐसा कोई नहीं दुनिया में कोई पाप बिना पाप, पाप होगा ही होगा, कैसे हम दिखाएंगे। सो यज्ञासी, सो यज्ञासीन ना यज्ञाशिष्टासीन, सो क्या है यज्ञो शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भिंजते ते तु अघम पापा जे पचन्ते आत्मकारणात्। यज्ञों का अवशेष खाके जो जीवन धारण करते हैं, इसका तो कहना ही क्या है, तमाम पापों से रिहा हो जाता, मुक्त हो जाता। और ये लोग, और जो लोग सिर्फ अपना पेट के लिए, अपना पेट पालन करने के लिए रसोई करता है, अन्य आदि भोग करता है, वो पाप का ही भोग करता है। अन्न का जो व्याख्या किया ये सही बात है, जो जी जो जो चीज खाके अपना जीवन जिंदगी को गुजारते हैं वो है अन्न, उसका लिए गोमाता के लिए जो घास है ये अन्न है, आदमी के लिए चावल रोटी ये सब जो कुछ भी खाते हैं ये अन्न है। और ये अन्न खाने का बाद पच जाता है, हजम हो जाता है, हजम के बाद एसिमिलेशन, हजम के बाद एसिमिलेशन हो जाता है, आत्तीकरण, खाद्य खावार का भोजन का जो सार वस्तु है तमाम कोशों कोशों में पहुंच जाते हैं, तमाम नस नस देख पूरा। तो ऐसा है जो अपने लिए रसोई करता है, भोजन करता है, सब अपना हड़प लेता है, भुंजते तू अघम पापा जे पचंती आत्मकारणा, जो अपना लिए पचाता भजन, अपना लिए जो जो कुछ भी करता है ये तो बहुत मुश्किल है। पंचो महायज्ञ अभी क्या है इसका बारे में विचार करना चाहिए। पंचो महायज्ञ क्या है, ये यज्ञ शब्द है, यज्ञ के द्वारा बहुत सारे विचार आता है। जो आदमी कहते हैं कि हमने बिल्कुल पाप किए ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य जीवन में जब भी कोई इच्छा नहीं फिर भी प्राणी हिंसा एक इनेविटेबल चीज है, अवश्य होने वाला चीज है। बोले कैसे, हम तो किसी को मारा नहीं, ना उनसे जाने अनजाने में सारे प्राणी हिंसा हो ही जाता है। शास्त्रकार गणों ने इसको पंच सूना अर्थात पांच प्रकार का जीव हिंसा का स्थान उल्लेख किया, कंडनी पेशनी चुल्ली चौद कुंडी चमांजनी उत्खल, उदखल जानते हो, जिसमें धान को कूटा जाता है, उदखल जाता मंदे जिसमें जिसने सुपारी बिटल नाट सुपारी को काटा जाता है, जाती चुल्ली मतलब जिसमें आग जलाया उसमें कीड़े मकोड़े रहते हैं अदृश्य है देखा नहीं जाता, जला दिया चुल्ली हैं, कंडा दे दिया और जितना सारी लकड़ी दे दिया, अब कौन जाने किसका अंदर कौन कीड़े बैठा हुआ है, सारे जल गया। सो उदुखल जिसमें धान आदि कूटा जाता है, उसका बाद जाता जिसमें बिटल नाड़ आदि काटा जाता है सुपुरी आदि जाता, चुल्ली मतलब जिसमें अग्नि संयोग के द्वारा रंधन क्रिया
चलता है चुल्ली, जल कुंभ पानी का जो कलसी है, पानी का जो पीछर है, ये भी रखो उठाओ और अंदर का पानी को सफा करने गया तो कुछ ना कुछ सूक्ष्म रूप से कोई प्राणी तो जरूर होगी। और मंजनी, मंजनी मतलब जिसके झाड़ू लगाया जाता है, ये ब्रूश जो है झाड़ू लगाया जाता है, इसके द्वारा कितना सारे प्राणी अपने आप मर जाता है। इसमें कोई किसी का दोष नहीं है, फिर भी दोष है, ये अदृश्य है, देखा नहीं जाता और कर दिया तो मर गया बहुत सारे प्राण, ये अवधारित है। ये पांच प्रकार का जो जीव हिंसा, ये इनेविटेबल है जिंदगी में, ये इनेविटेबल है, कोई रोक नहीं सकता, बिना इच्छा से भी हो जाता है, क्योंकि ये अपना घर का अंदर में जो नित्य व्यवहार, जो ये सब चीजें जो हैं रोज लगता है घर में, रोज ही व्यवहार में आता है और रोज ही कुछ ना कुछ प्राणी जाने अनजाने में मर ही जाता है। तो इसमें इच्छा है अगर नहीं है फिर भी पाप जरूर है, हो ही जाता है हर कोई का। ये पाप से मोचन करने के लिए, ये पाप मोचन का व्यवस्था है पंचसूना, पांच प्रकार का जीव हिंसा से कैसे हम बचे। पंचसूना गृहस्थस्य पंच जग्यात प्रणश्यति, ऐसा लिखा है। पंचसूना गृहस्थस्य पंच जग्यात प्रणश्यति, अगर गृही व्यक्ति पांच प्रकार का यज्ञ करते रहते हैं, पंचो महायज्ञ, इसमें जरूर ये पंचो सोना अर्थात पांच प्रकार का प्राणी का हिंसा, इसमें जो पाप लगता है ये जरूर खत्म हो जाता है। पंचो सोना गृहस्थस्य पंचो यज्ञात प्रणश्यति, ये पंचो यज्ञ क्या है, ये पंचो यज्ञ क्या है, इसका बारे में लिखा हुआ है। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञ स्तुतर्पणम होमो दैवो बलिर भौतो निर्यज्ञ अतिथि पूजनम, समझा कि नहीं। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ अर्थात अध्यापन आदि करोगे, शास्त्र विचार जो सुना है परंपरा के, सौत परंपरा के अनुसार तुमने प्राप्त किया है, तुम्हारा भी फर्ज है ये शास्त्रों का तमाम ज्ञान को वितरण करो, और ज्ञान दान का ऊपर कुछ दान नहीं है, नाम दान इसका सबसे ऊपर है, ये तो है ही है। तो अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, इसके द्वारा ब्रह्मयज्ञ होता है, पितृऋण देवऋण भूतऋण ये सब होते रहता है ना, ऋषि ऋण माने ये जो अध्यापना जो है, अध्यापनम, इसके बाद ये जो ब्रह्मयज्ञ है इसके द्वारा क्या है, ये तो अपना जो ज्ञान है वे ज्ञान को वितरण करने का व्यवस्था है। सो अध्यापनम अध्ययन किया है हमने गुरु वैष्णव के सामने, विचार करके कृपा किया है गुरु वैष्णवों ने, परंपरा के अनुसार सौत परंपरा में हमको ज्ञान प्राप्ति अगर हुआ है तो ये नियम है। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, अध्यापनम के द्वारा ब्राह्मण ऋषि गुरु वैष्णव का ये जो ऋण से रिहा हो सकता। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम, पितृयज्ञ तर्पण के द्वारा होता है, और तर्पण इसका अंदर में बहुर माने हैं, पितृयज्ञस्तु तर्पणम इसका अंदर में गहरा माने हैं, और तर्पणम हम कर देंगे,
तर्पणम आप कर दिया, आपका बाद जो तर्पण करने का कोई व्यवस्था नहीं हुआ क्योंकि आपने शादी नहीं किया, अगर शादी भी किया है तो बच्चा नहीं हुआ तो बस मुसीबत हो जाए, पूर्वजों का पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो माने ये बैठता है पितृयोग्यस्तु तर्पणम, मतलब पितृयोग्य करने जाओ तो तुमको भी पुत्र संतान का जन्म देना और ये तर्पण आदि करने का जो प्रतिनिधि है जगत में छोड़ के जाओ, नहीं तो पूर्वजों का पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जो पहले अध्याय में गीता में बातचीत किया ना, जे जितना सारी इनो व्यवस्था है सब लुप्त तो हो जाएगा, ऐसा प्रथम अध्याय में अर्जुन ने उठाया था विचार को। सो अध्यापनम ब्रह्मयोग्य हम पितृयोग्यस्तु तर्पणम, पितृयोग्य तर्पण के द्वारा होता है, संतान आदि उत्पादन करो और जल तिल पानी तिलांजल तिल अर्पण पानी अर्पण करने के लिए कोई तर्पण करने के लिए आदमी रहे ये व्यवस्था कर लो, ये पितृयोग्य हुआ। और होम जो हुआ ओम इंद्राय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा, ये जो करते हो इसमें भी असली घी देना चाहिए, अगर नकली चर्बी लेके दो तो होगा नहीं, हवन बेकार हो जाएगा, देवता लोग गुस्सा हो जाएगा। तो होमो दैवो अर्थात होम के द्वारा देवता लोगों का जो खाना है वो हबीर भजू होता है ना, वो लोग घी खाता है, घी मक्खन ये सब। तो होमो दैव यज्ञ हुआ देवता लोगों का, और बलि मतलब उपहार दे दिया है, जैसे कुत्ते को तो रोटी फेंक दिया और गौ माता का तो खाना का पहला हिस्सा देना चाहिए, नियम है पहला तुम्हारा खाने का पहला हिस्सा गौ माता का और अंतिम हिस्सा कुत्ता का, ये सारे। और यहाँ तक कि हमने देखे हैं बहुत सारे आदमी सुबह में उठकर पंछियों के लिए दाना पानी दे दिया मैदान में या तो छत पे दे दिया डाल दिया, ऐसा करते रहते हैं। यहाँ तक कि बांकुड़ा का आदमी इतना भूखा है वो सांपों को केला और दूध रख के आता है, जहरीली सांप उसको खिलाते हैं रोज। अरे यहाँ आदमी को दूध नहीं मिलता, वो सांप को दे रहा है बांकुड़ा का आदमी, अभी भी जाओ देखो। तो बलि और पंछियों को दाना पानी देना, यहाँ तक कि चेटी को अपना जो उसका जो सुराख है, चेटी का सुराख है वहाँ जाके चीनी और आटा बूरा सब डाल के आता है, पिपड़ा खाते रहते। तो ये जो होमो दैव यज्ञ हुआ और बलि भौत यज्ञ हुआ और निर्यज्ञ अतिथि पूजनम, और जो निर्यज्ञ हुआ ये अतिथि पूजनम, अतिथि नारायण के बराबर लिखा हुआ है शास्त्र में अतिथि नारायण। तो ऐसा समझ में आया जे अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयोग्यस्तु तर्पणम होमो दैव बलिर भौतो निर्यज्ञ अतिथि पूजनम, ऐसा करके तमाम जे पंच सुना का जो प्रायश्चित है विधान है, इससे रिहा मिलने का जो रास्ता है पंचसुना, एक पंचसुना गृहस्थस्य पंचयोग्यात् प्रणश्यति, ये पांच यज्ञ अगर गृहस्थी व्यक्ति करते चले तो इसको जाने अनजाने में जो पाप होते रहता है ये नहीं होगी। लेकिन इसमें आपका जो अपराध का कोई ताल्लुकात नहीं, अपराध जो है ये भगवत भजन में पूजन में जो कुछ भी करने चलो इसमें जो अपराध होते रहता है इस पे रिहा पाना मुश्किल है। इसमें एक विधान है जे रोज अगर कोई बृंदाष्टकम पाठ करे सुबह शाम और विशेष करके द्वादशी का दिन संध्या समय में बृंदाष्टकम रोज ही पाठ करना जरूरी है, विश्वनाथ चतुर्थी बताए
और इसके साथ और एक चीज है, ये है अगर गीता का पाठ करे दो अध्याय का सुबह के टाइम में, एकदम सुबह में पाठ करो, बाद दिन में कुछ समय हो गीता का मन लगा कर दिल लगा कर पाठ करो, इसमें नित्य जो हमारा सेवा अपराध से थोड़ा रिहा हो सकता है। वृंदा देवी का अष्टकम पाठ करो, वृंदा देवी की चर्चा करो, भक्ति देवी का, और इसके साथ और है हम बताया, ये आप गीता का अध्याय दो एक अध्याय पाठ करो, इसमें जाने अनजाने में जो अपराध होते रहता है सेवा अपराध, इससे आपको रिहा मिलेगा जरूर, ये शास्त्र का विधान है। मतलब ये जो बताया गया ये सब हंगामा, ये हंगामा नहीं है, विचार करके देखना ये सही है। पंच युगों के द्वारा ऋषि ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, भूत ऋण, यूनो ये सारे ये समाधान हो सकता। और ऋण अगर रहे तो कहीं कहीं भी जाओ आपका कोई समाधान है ही नहीं। ये जो व्यवस्था है शास्त्रों का ये बेकार नहीं समझना, ये बहुत ऊंचा विचार है। ये इसका उद्देश्य जो है, इसका जो अल्टीमेट मकसद है, ये बड़ा ऊंचा है, उदार आदर्श उच्च। इसका दृष्टि समग्र विश्व मानव का जो आधार है इसका ऊपर, इसका जो दृष्टि है ये उद्देश्य जो है उद्देश्य उदार है, और इसका दृष्टि जो उच्च है ये दृष्टि विश्व मानव का जो आधार है विश्वात्मा, इसका ओर जा रहा है ग्रेजुअल। ये मोटा दृष्टि देखे आप समझोगे नहीं, इसका जो दृष्टि है फाइनली विचार करो तो अल्टीमेटली ये मूव कर रहा है विश्वात्मा का ओर जा रहा है। इसमें ये जो दृष्टि है विश्वात्मा का, विश्व आत्मा भगवान का ओर जा रहा है। ये व्यवस्था जो है बहुत साइंटिफिक है, और आप जानते ही हैं शास्त्र में ये बताया, गीता में, गीता में आप ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्तिन अर्जुन, हे अर्जुन ब्रह्मा से लेकर चैटी तक कोई बचेगा, सब चल रहा है, चक्कर काट रहा है, पुनरावर्तिन अर्जुन चक्कर काट रहा है पूरा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ जठरे शयनम। आज जो हम भोजन करते बैठते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म होवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ऐसा मंत्र बोल के भोजन में बैठना है, लेकिन हम लोग तो भोजन करते नहीं खाते हैं, खाते हैं ना, भोजन थोड़ी करते, भोजन तो ठाकुर को, ठाकुर का प्रसाद विचार करके आचमन करके बैठना है। शूद्र व्यक्ति है ए खाने दो भूख लग गया और खाना शुरू कर दिया, प्रसाद खाते हैं, प्रसाद पाते हैं नहीं, प्रसाद खाते हैं, यही विचार है मोटा। तो ये जो है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मांग्नो ब्रह्मणा हुतम, ये सारे ब्रह्म वस्तु है, ये सब विचार करके दिखाएंगे हम आगे चल के। जो अग्नि प्रज्वलित है आपका सामने ये ब्रह्म है, जिसमें घीताहुति दे रहे हो हवन, वो जो हवन का वस्तु ये भी ब्रह्म वस्तु है, जो मंत्र बोल रहे हो वो भी ब्रह्म वस्तु है, जो ब्राह्मण या वैष्णव कर रहा है वो भी ब्रह्म वस्तु है, सब ब्रह्म, सर्वम खलुदम ब्रह्म। आज जब भोजन में बैठते हो आचमन करके यही मंत्र बोल के बैठते हो ना, करना चाहिए, पहले आसन बिछाओ है ना, उसका बाद आचमन करो, आचमन करने का बाद फिर मंत्र बोल के ब्रह्म हो वीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा ये सब मंत्र बोल के बैठो, इसका बाद बोल लो आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम जगत त्रिपतु अनेन सा, ये जो हमारा सामने धरा हुआ है हे ठाकुर जी, इसके द्वारा जो मैं अपने अपना अंदर में, अपना अंदर में जो आहुति दे रहा हूँ, पक्का साधु कभी नहीं सोचता है खाता है, खाता नहीं है, ये सोचता है कि जितना सारी ये जो हमारा सामने है प्रसाद, ये आहुति दे, आत्मा को आहुति दे रहा हूँ,
ऐसा विचार करके खाता है, एक खाने बैठ गया, भूख लग गया कुत्ता बिल्ली का जिंदगी है हमारा ऐसा। लेकिन नियम है पूरा एकदम टेबल चेयर में नहीं, वो तो साहब लोग बैठेगा, मिट्टी में बैठो, बैठ के स्थान को उपस्कार करो साफा करके, उसके बाद आचमन करके बैठना, उसके बाद आचमन करके। और ये साधु या वैष्णव सोचता है कि ये जो मैं आहुति दे रहा हूं हमारा प्राणों में, चलो आ इसके द्वारा आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम जगत त्रिपतु, हे ठाकुर जी ब्रह्मा से लेकर तीर्ण शिखा सब समस्त ये पानी, ये दान, ये दाना जो है पानी जो है ये सलिल के द्वारा सारे तृप्त तो हो जाए, क्योंकि भगवान तुम ही तो हो हर जगह, हर वक्त तुम ही तो हर जगह, कहाँ तुम नहीं हो, भगवान ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीशियंट है, ओमनी प्रेजेंट। ऐसा मंत्र पैर के आचमन करके चारों पानी देके फिर प्रसाद अपना प्राणों में आहुति देने के लिए बैठते हो, एक विचार है पक्का विचार। आपको सिखाने वाला कोई है ही नहीं, कुछ पा लिया तो खा लो जल्दी, ये भोग बुद्धि जब तक रहे तब तक भजन भजन कुछ नहीं है, बेकार। जब तक भोज कोई भी हो, ये हम कोई रैंक पैंक नहीं बताता हूं, आचार्य हो कुछ भी हो, कोई ब्राह्मण हो वैष्णव हो, स्वाभाविक दृष्टि में कोई भी उसका टाइटल हो तो उसको मरना ही है। जब तक भोग बुद्धि रहे, जब तक भोग बुद्धि एंजॉयिंग मूड, मैं खा रहा हूं मेरा भोजन है मेरा बाड़ी है सब कुछ, तब तक ठाकुर जी का भी दर्शन भी नहीं है, गीता का कोई माने भी समझेगा नहीं और समझने का इच्छा भी नहीं, कैसे समझे बेचार। अंतिम में भी गोती भी वैसा ही हो सकता, अंतिम में गोती तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल बेकार, जितना भी तिलक मना करो कुछ करो उल्टा सीधा हो जाएगा, समझाने वाला कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है, सब उठपटांग। चलो कितना गहरा विचार है इसमें, सोचोगे तो हैरान हो जाओगे। या दूसरे श्लोक में बताया, देखो यहां बताया जी, जितना सारे हमने व्याख्या किया अभी देखो मिलता कि नहीं। अन्याद भवन्ति भूतानि पज्जन्याद अन्न संभव, यज्ञात भवति पज्जन्नो यज्ञ कर्म समुद्भव। देखो कितना सुंदर, यही बताया था ना मैंने, जो अन्न जिसका जो खाना है जो खाके अपना शरीर को चलाता है ये इसका लिए अन्न है, टाइगर के लिए शेर के लिए तो अन्न है, पंछी के लिए दाना पानी जो है वो तो अन्न है जो खाता है, आदमी के लिए रोटी जौ जौ रोटी बाजरा चावल ये सब खाना है ऐसा खाता है, ये अन्न है। तो अन्नाद भवंती भूतानी, ये अन्न से भूतानी, भूतानी मतलब जितना सारे प्राणी लोक है जीव लोक है, जीव जीव चक्र जगत चक्र जीव चक्र जगत चक्र जानते हो ना, ये जगत चक्र जगत भी परिवर्तित, ये जो जगत चक्र चल रहा है जग चक्का चल रहा है, सुबह हो रहा है शाम हो सुबह हो रहा है शाम हो रहा है, ये गर्मी आ रहा है ठंडी आ रहा है, शीत बसंत ये सब चलते रहे, सीजन जो है ये चक्का चल रहा है, प्रकृति का चक्का चल रहा है। तो ये जगत चक्र है, कोई मरता है कोई जीता है कोई रहता है थोड़े दिन के लिए फिर जाता है, ऐसा है जो जगत चक्र, तमाम दुनिया काम में लगा हुआ है, सो अपना अपना हिसाब से कर रहा है रोटी पानी के लिए, यार रोटी पानी तो ठीक है, रोटी पानी का बाहर बहुत चीज़ है इसके लिए समस्या है। रोटी पानी अगर उद्देश्य है जो गीता में बताया, कोई लोभ मत करो, कोई लोभ मत करो, ईशावस्यम इदम सर्वम यत किंचित जगतम जगत, ये जो श्लोक का माने अगर वैचु समझो ईशोपनिषद का, तो समझोगे तमाम व्यक्ति अन्याय कर रहा है, जितना लेने में मेरा उदर पूर्ति होए बस उतना तक ही, ज्यादा लेने का कोशिश लूटने का कोशिश करो तुम लुटेरा बन जाओगे, पनिशमेंट हो जाएगी। लेकिन आदमी सस्ता नहीं,
आदमी तो समझता नहीं है ना ऐसा बाप। और ये यज्ञ चक्र चल रहा है, इसमें अगर ठाकुर जी को संतुष्ट करना ही हमारा मकसद है तमाम दुनिया का, उसमें जगत आराम से चल सकता है, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। सब अपना अपना प्रतिष्ठा, अपना अपना लाभ नुकसान, एंजॉयमेंट का मूड लेकर चल रहा है, तो इसलिए तमाम दुनिया को पनिशमेंट मिलना ही मिलना है। कि तो प्रकृति, प्रकृति बहुत कष्ट, प्रकृति को कष्ट मिलते, प्रकृति को कष्ट देता है, प्रकृति को इतना कष्ट देता है तो प्रकृति इसका पनिशमेंट जरूर दें, इसके लिए रिवेंज प्रतिशोध। तो इधर जो विचार है ये करके देखना, अन्याद भवंती भूतानि, ये सही है कि नहीं? अन्याद भवंती भूतानि और पर्जन्यात अन्न सम्भवा, अन्न से खाने का बाद बीज पैदा होता है, बीज पैदा होने के बाद संतान जन्म लेने का व्यवस्था होता है, जन्म देने का व्यवस्था होता है। सो अन्यात भवन्ति भूतानि, और ये अन्न कहाँ से आता है? पर्जन्यात अन्न संभव, अगर मेघ नहीं है, बादल नहीं है, तो कौन बरसाएगा? तो पर्जन्यात अन्न संभव, पर्जन्य से अन्न संभव, अन्न हुआ है। और जग आज पर्जन्यात अन्न संभव, पर्जन्य मेघ कहाँ से हुआ? ये बादल, बोले जग्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञों से बादल उत्पन्न, यज्ञ तो है ही है, तमाम यज्ञ चल रहा है ना, समुन्द्र का पानी बाष्प के ऊपर चला जाता है, और जाग यज्ञ जो होता है वो भी, उसका भी वेपर जो है ऊपर जा रहा है, रस्वे सब सज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कहाँ से? कर्म से, कर्म समुद, कर्म मतलब वेद वैदिक कर्मों से यज्ञ होता है, यज्ञ का उत्पत्ति। अजो यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कर्म से होता है, वेद विहित कर्मों से। अच्छा, वेद विहित कर्म कहाँ से आया है? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म ब्रह्म से आया है। अरे ब्रह्म कहाँ से आया? आप ब्रह्म का प्रतिष्ठा कहाँ है? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, आप ब्रह्माक्षर समुद्भव, ब्रह्म एकाक्षर ब्रह्म मंत्र में प्रतिष्ठित है, वही ब्रह्म वस्तु। ओम इति एकाक्षरम बाहरम मम, ओम इति एकाक्षरम बाहरम मम अनुस्मरण, जो प्रयाति तेजोन देहम स्वजाति परमम गतिम। तो ये आता है पूरा विचार, कर्मो ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव, ये बताया। इसके बाद बताया तस्मात, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, कृष्ण बोल रहा है तस्मात, देखो कृष्ण, देखो अर्जुन, तस्मात सर्वगतम ब्रह्म, हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, तस्मात सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, तमाम तो यज्ञ में प्रतिष्ठित है, ऐसे यज्ञ चक्र है, इस सर्व जी सर्वव्यापी परब्रह्म सदा यज्ञ प्रतिष्ठित होके ही रहता है। तमाम दुनिया में ये जगत चक्र है, इसका अनुवर्तन नहीं करके कोई बात सकता क्या? कैसे? वो करना ही जरूरी है, ये कंपल्सरी है, करेगा ही। इसीलिए सर्वव्यापी परब्रह्म सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है, लेकिन ये बाहरी दृष्टि में जो दृष्टि जो टट्टी पेशाब दिखाई पड़ता, इसमें ज्ञान दृष्टि चाहिए। इसी प्रकार प्रवर्तित ये जो यज्ञ का चक्का जगत चक्र का अनुवर्तन के बारे में बताया गया, इन यज्ञादि कर्मों द्वारा ये चक्र परिचालना कोई सहायता अगर नहीं कर रहा है तो इंद्रियों सुखासक्तो ये व्यक्ति पाप जीवी महापापी है। हे पार्थो, इसका जीवन जीवन जिंदगी बेकार है, ये क्यों जी रहा है? हमारा महाप्रभु तो यहां तक भी कह दिया कि भगवान का चरण में मेरा मन नहीं लगा, भगवान को प्रेम नहीं कर सका, तो क्यों जी रहा हूं? और यहां तो कृष्ण बताया, देखो ये जो ऐसा जी रहा है वो तो वृथा है। और महाप्रभु कहां का बात बताया, देखो कितना ऊंचा बात बताया है महाप्रभु जी ने, कितना सुंदर बात बताया। न दरापि में
न प्रेम गंधो अस्ति द्वरापि मे हरौ तथापि कन्दामि सौभाग्यभरं प्रकाशितं यद् वंशी विलासनलोकनं विना विभोर्मि प्राम प्राण पतंग कान वृथा। हम जो ये प्राण पतंग को पालन करता हूँ ये भी बेकार है, क्योंकि ठाकुर जी के चरण में तो मेरा प्रीति प्रेम बिल्कुल नहीं है। क्यों जी रहा हूं, किस लिए? राक्षस का मापी क्या होगा कि भोगने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए इसीलिए जी रहा हूं क्या? जीवन जिंदगी का एंजॉयमेंट करने के लिए क्या, भोगने के लिए ये है? हैं? क्या माने हैं साधु संतों का, क्या जिंदगी होनी चाहिए? तो देखो ऐसा विचार करके ठाकुर जी ने बताया, अन्यात भवंति भूतानि पजन्यात अन्न समवः यज्ञात भवति पजन्नो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्मो ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इसके बाद लिखा हुआ है एवं प्रवर्तितं चक्रः, ऐसा जो चक्का चल रहा है जगत चक्र, एवं प्रवर्तितं चक्रः नानुवर्ततिह यो एवं प्रवर्तितं चक्रः नानुवर्ततिह य अघायु इंद्रियारामो मोघं पातो सजीवति। ए ना अनुवर्तयति इह य, स्प्लिट अप करके संस्कृत में मैं इसको भाग करके पाठ कर दिया ताकि सहज बोध हो। एवं प्रवर्तितं चक्रः न अनुवर्तयति इह य, इसका बारे में बताया क्या? ए अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति, इसका जीवन जिंदगी बेकार है, पापी है। ये इंद्रिय सुख के लिए तमाम अपना काम कर रहा है, ये भोगी है, ये बदमाश है, इसका कोई रास्ता नहीं है। जो भी है इस जगत चक्र का बारे में बहुत सारे जानकारी आपको मिला, और भी थोड़ा दो चार शब्द कह दे, क्योंकि एक एक व्यक्ति ऐसा ऐसा, हमारा विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ऐसा सुंदर व्याख्या किए, बलदेव जी महाराज व्याख्या किए, इसका बाद रामानुज जो व्याख्या किए, मध्वाचार्य जो व्याख्या किए, सिद्धस्वामी व्याख्या किए, विश्वनाथ चक्रवर्ती व्याख्या किए, बहुत एक एक अलग अलग दृष्टिकोण से ये व्याख्या किया, क्योंकि ठाकुर जी जैसा है अनमोल संपत्ति, ठाकुर जी का प्रवचन जो है ये भी अनमोल। जैसे आपको पता है जब बलराम और कृष्ण, कृष्ण बलराम कंसों का जो मल्ल युद्धों का क्षेत्र है, मल्ल युद्धों का ये जो क्षेत्र है, कुबले हाथी को मारने का बाद यज्ञ क्षेत्र में जब प्रवेश कर रहा है, जो है ना प्रवेश कर रहा था, इसी समय उस समय लिखा हुआ है भागवत में, अपना अपना हिसाब से ठाकुर जी को दर्शन कर ले, मल्लानम असनिर्णनाम नरवरो स्त्रीनाम स्मरो मूर्तिमान असतो भुजाम कृत भुजाम, ये सब है, बहुत सुंदर विचार है। देखना अब कितना तक बताए, समय भी नहीं है, कम समय है, आचारों और हंगामा है। देखो भले जब कृष्ण बलराम ये मल्ल युद्ध का जो क्षेत्र है यहाँ प्रवेश कर रहा है, कंसो सिंहासन में बैठा हुआ है, और तमाम जो लोग है अपना अपना आसन में बैठा हुआ है, और जब कृष्ण बलराम स्टेज में आ रहे हैं, मल्ल युद्ध का जो स्टेज है उस जगह पर आ रहे हैं, और इस समय मल्लानाम असनिर्णनाम, अब मल्लो जो लड़ाई करने कुश्ती करने के लिए खड़ा हुआ है, चानूर मुष्टिक आदि, वो दिख रहे थे साक्षात झूमराज आ रहा है। अरे कैसा, इतना मासूम बच्चा है, सुंदर शरीर है, कमनियों देखने में गल जाता है, हृदय पत्थर पिघल जाता है, और इसका दर्शन में क्या होता, अरे ये तो झूमराज आ रहा है साक्षात, हैं मल्लानाम असनिर्णनाम,
मल्लानाम असरणी नाम असनी मतलब वज्र है, जोमराज बाद में हम बताएंगे, ऐसा कन्फ्यूजन होंगे। मल्लानाम असरणी, असनी मतलब वज्रो, मल्लानाम असरणी नाम। और स्त्रियों के लिए जो कम उम्र वाले जो गोपी है उनके लिए साक्षात कामदेव है, साक्षात कामदेव। असतम खितभुजाम शास्त्रा सपितरो शिशु। और बदमाश जो राजा है वो लोग साथ हमारा शास्ति दाता पनिशमेंट देने वाले आ गया अपना पिता माता के लिए मासूम बच्चा। देखो एक एक दर्शन एक ही ठाकुर जी आ रहा है, कृष्ण बलराम तो एक ही है, दो बन के रहे प्रथम प्रकाश विग्रह बलदाव जी महाराज। लेकिन जब बलदा जब कृष्ण बलराम प्रवेश कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा अलग अलग दर्शन है, तो इसमें भी एक ही है। जब कृष्ण बलराम साक्षात आए तब एक एक एंगल से दृष्टिकोण से देखा जाए एक एक कृष्ण का भावना भाव पैदा हो जाता। जैसे हमने ये उदाहरण दिया जे एक डायमंड हीरा को रख दो, हीरा रखने से जो आदमी दाहिना बाजू बैठा हुआ है वो देखेगा पीला रंग आ रहा है, जो बायां बाजू बैठा है वो लाल लाल रंग आ रहा है, और सीधा बैठा है ना इधर ये देखेगा ग्रीन। तमाम ठीक बात है, हीरा जो है एक एक एंगल से एक एक किस्म का कलर जो रंग है विच्छुरण करते रहते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है, दोष नहीं है, झूठा नहीं है। ये जो बोल रहा है हम पीला रंग दे ये भी ठीक है, वो जो बोल रहा है हम लाल रंग ये भी ठीक है, ये भी बोल रहा है ना महाराज हम ऐसा देख रहा है, हैं नीला देख रहा है, पीला देख रहा है, लाल देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, हलूद देख रहा है हलूद पीला कुछ भी देखे, ये सही एक एक एंगल से दृष्टिकोण से विचार करो तो ये विचार झूठा नहीं है। तो बलदाव जी महाराज बलदेव जी व्याख्या किया तो वो भी ठीक है, विश्वनाथ जी चक्रवर्ती वो भी ठीक है, मध्वाचार्य जी व्याख्या किया रामानुज सब ठीक है, और सीधा साईपाद वो भी ठीक है। भक्तिविनोद ठाकुर का विचार फाइनल हम लोग देख रहे हैं क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर अल्टीमेट। जैसे नरोत्तम ठाकुर बताया ना जे पूर्वापर करिया विचार, पहले का साधु लोग जो है हमारा गुरुवर्ग, और अभी का जो साधु वर्ग है गुरुवर्ग है, गुरुवर्ग पक्का गुरुवर्ग, ये गुरुवर्ग नहीं है छल्ली बल्ली है यो नहीं, मतलब पूर्वापर करिया विचार। नॉर्थ मंडा के जो पूर्व पूर्व जो प्रहलाद महाराज भी गुरु है, धूम महाराज गुरु है, ये तो गुरु है। प्रहलाद भीष्म जनकर बलि वैयास कर वदम दादो सहित, ये जो है ये जो है सारे गुरु है, ये भगवत धर्मों का गुरु है। लेकिन फाइनली जब हमारा सामने जीव गोस्वाई पद आया, रूप गोस्वाई पद आया, उसका बाद और फिर से नरोत्तम ठाकुर आया, और फिर से भक्तिमोहन ठाकुर जी आया विश्वनाथ, तो किसको ग्रहण करें, क्योंकि वो विचार फिल्टर होते होते सुंदर, फिल्टर मतलब और उसका उसका ऊपर रंग चढ़ा के सुंदर एकदम सरल सीधा करके, फिल्टर मतलब ये नहीं उसमें कंटामिनेशन है ये मत समझो, मैंने और सीधा साधा विचार करके हम तक आ पाए, ये विचार हम तक आया, ये बड़ा बड़ी बढ़िया बढ़िया विचार है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं ये विचार हमको पकड़ना चाहिए, इसमें सहज सिर सरल विचार है, किंतु तमाम दुनिया का विचार करने जाए तो पागल हो जाओ। नाना शास्त्र विचार नहीं को निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानम हित करिनो तिभुवने मान्यो शरण ना करो वांछा कल्प दुर्वश्य के पास सिंधु भविष्य पतितानंग पावन भविष्णु भ्यो नमो। बाकी व्याख्या कल हो पाएगा।